Hey, hi everyone. Good morning, everyone. हम हनोई पहुंच गए हैं, हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है हनोई। दिनांक हमने छोड़ दिया सुबह 9:50 की हमारी फ्लाइट थी, तो हमने बोर्ड करने के बाद हम हनोई पहुंच गए हैं, होटल की तरफ निकल रहे हैं। दिन काफ़ी पहले शुरू हो गया था, हमने ब्लॉग नहीं बनाया था स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना था, क्योंकि एयरपोर्ट पहुँचना था। तो अब हम जा रहे हैं अपने नए होटल में, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसे रहता है। बाकी इसके बाद हमारा प्लान है हालांग जाने के लिए, जो कि एक वाटर एरिया है, मतलब। चलो हम घुमाते हैं आपको हनोई। ये रूम हनोई में लिया है वन डे के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं और शिफ्ट होना है। इन्होंने टीवी बाकी ये सब चीज़ें देखी, बोतल वगैरह। 6th फ्लोर पे रेजिडेंशियल एरिया है। अंदर आके ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़गंज में पहुंच गए हम, पहाड़गंज दिल्ली। होटल नेम है गोल्डन साइक्लो। तो गाइस हम वर्ल्ड फेमस ट्रेन स्ट्रीट पे आ गए हैं, जहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट और कैफेज बने हुए हैं ट्रेन की पटरी के बिल्कुल बगल में। जब ट्रेन आती है तो ये जितने भी शॉप्स हैं और जो शॉप्स ने बाहर वेंडर्स ने अपने बाहर सामान रखा हुआ है वो सब बाहर निकाल देते हैं लोग, ताकि ट्रेन को निकल सके। तो होटल से करीबन 130 मीटर दूर थी, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ट्रेन नहीं आ रही है आज कोई, देखते हैं। अगर अभी नहीं आ रही है, 9 बजे का टाइम बता रहे हैं रात को। अगर हम इसी साइड हुए तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ट्रेन का। और अभी तो स्ट्रीट भी नहीं लगी हुई है, खाली स्ट्रीट है अभी। yeah. तो जैसे ही मतलब आई थिंक यहाँ पे रात का ज़्यादा सीन है, टाइम पे ही ट्रेन जाती है। भाई हम रिक्शा के सवारी कर रहे हैं, समय वियतनामी हनोई की रिक्शा में। यहाँ पे उल्टा चलता है, नॉर्मली रिक्शा आगे बैठते हैं बंदे हमारे, यहाँ पे पीछे बैठते हैं और आगे हम बैठते हैं। और यहाँ अपने आप ही आया है, हमने कुछ नहीं कहा। तो कुछ भी लेना हो बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग। तो अभी तो हम आए हैं म्यूजियम ऑफ कल्चर हनोई के अंदर है। ये यहाँ पर आपको कल्चर देखने को मिल सकता है हनोई का और वियतनाम का। इसकी एंट्रेंस फीस है करीबन 30 के डोंग चार्ज किए हैं उन्होंने, और उसके अंदर एंट्रेंस फीस है इसकी पर पर्सन। अब अंदर देखते हैं अंदर क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है बोनसाई। बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है यहाँ पे, 100 साल से तो ऊपर पुराना है, बहुत पुराना है। लिखा हुआ है बट हमें समझ नहीं आ रहा। Thank you.
भाई ये बेसिकली ना ये पांच जो हम यहाँ पे पांच मूर्तियाँ हैं ये पांच सिग्निफिकेंस करती हैं कि पांच लिटरेचर्स के लिए कि आपको अपनी फैमिली कैसे चलानी है, कैसे यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज है ना एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेटिंग द सेल्फ, ऑर्गेनाइजिंग द फैमिली, गवर्निंग द स्टेट एंड रूलिंग ऑल नेशंस। ये सब चीज़ें पांच लिटरेचर्स हैं जो ये बताती हैं और इसी के बेस पे ये पूरा ये टेंपल ऑफ लिटरेचर बना हुआ है इन 500 स्टैचूज के बेस पे ही। तो यहाँ पर आके लोग चढ़ावा करते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं वैसे ये लोग यहाँ पे पूजा करते हैं वियतनाम में हनोई के अंदर। आप जब छोटे होते हो तो आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, जब बड़े होते हो यंग होते हो तो आपकी जो मैरिज होएगी वो आपके पेरेंट्स के हिसाब से होएगी, एंड जब आपकी मैरिज हो जाएगी देन यू हैव टू मेंटेन योर फैमिली। तो वही बेसिक रूल्स हैं जो हम इंडियन फैमिलीज भी फॉलो करती है। अब आजकल कल्चर चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा सेकंड पॉइंट में चेंज आ रहा है कि लव मैरिज ज़्यादा होने लग गई है इंडिया में बट यहाँ पर अभी भी ये फॉलो किया जाता है कि पेरेंट्स ही आपके लिए अपोजिट पार्टनर ढूंढेंगे। स्पेशली फॉर गर्ल्स ऐसा वो बोल रहे थे, शी डोंट नो। तो टेंपल ऑफ लिटरेचर में इतना ही है, पांच मेन बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं बता दिए थे आपको और थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में बताया हुआ है। और ये आप सामने स्टैचूज देख रहे हैं बेसिकली किंग्स के हैं, तो ये वो पिलर्स हैं जब कोई राजा बनता था यहाँ पर तो उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन का एक स्टोन यहाँ पर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा कल्चर के अंदर। वाटर पंप पे शोर देखने के लिए थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम लगी है, काफ़ी है वो शोर बहुत ज़्यादा है। ये पंप शो की टिकट हमें फ्रंट शो की 200K की पड़ी है डॉम की, और आगे देखते हैं पंप शो कैसा रहता है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं ट्रेन स्ट्रीट पे, जो कि 9 बजे थी, हम मॉर्निंग में आए थे उस टाइम पे कोई ट्रेन का टाइम नहीं था, अब 9 PM से ट्रेन है तो यहाँ पे इतना क्राउड आया हुआ है। एक ट्रेन अभी हमारे सामने निकली है, हम लोग नीचे थे हमने मिस कर दी, तो अब हमें 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 9 बजे तक का वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे होता है जब ट्रेन आती है। और अभी यहाँ पे एकदम सब जगह फुल है, लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। उन्होंने इस तरह से चेयर्स लगा रखी हैं, जैसे आप देख रहे हैं चेयर्स लगा रखी हैं जहाँ पे आप अपना फूड और ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेन आएगी सब रेस्टोरेंट्स में अंदर चले जाएंगे और ट्रेन पास होगी देन फिर बैक टू द नॉर्मल।
अच्छा से वर्क करता है। हाय फ्रेंड्स, तो आज का दिन आपका कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ हम अपना आज का दिन समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त? आज का दिन फिर हम ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नए ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए अलविदा, सी यू सून।